हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभाग्य देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण। इसके पहले आपने ESTC का नियम, त्रिकोणमितीय सारणी सब पढ़ चुके हैं, तो उसको फिर से लर्न करना आपको जरूरी होगा, क्योंकि जब तक कोई याद नहीं होगा तब तक आप त्रिकोणमितीय समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। इसमें दो चीज़ें आपसे पूछेगा, त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य मान और व्यापक। तो मुख्य मान में हमेशा दो वैल्यूज होते हैं, क्योंकि सभी मुख्य मान जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और कितने के बराबर, कितने से कम हो सकता है, 2π। 2π का मतलब 18 × 36, 360 से कम हो सकता है। अब इसी के आधार पर हम इस समीकरण को हल करेंगे। इसका मुख्य वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या। अब यह देखेंगे इतने का मुख्य मान मान क्या। अब यह देख रहे हैं कि साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3/2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू, अब यह देख रहे हैं कि अंडर रूट 3/2 साइन में कितने का मान होता है। आप जानते हैं कि यह कितने का मान होता है, साइन 60° का मान होता है। अब साइन 60° को पाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/3, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18, 60° हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल होगा, एक्स का मान π/3, एक वैल्यू आपका गया। अब यह देख रहे हैं ESTC का नियम लगाएंगे, एक और मान इसका कितना होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन। अब ये देख रहे हैं कि अंडर रूट 3/2 180 में से घटाएंगे तो साइन वाले में जाएगा, तो 180 का मतलब पाई और माइनस π/3, यानी 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 में फंक्शन नहीं बदलते हैं। अब यह देखना है 180 माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन, एलसीएम लेंगे तो 3π − π/3, यह हो गया साइन एक्स इक्वल टू साइन 3π में से पाई घटाएंगे कितना आएगा, 2π/3, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 2π/3। अतः इसके मुख्य मान क्या हो गए, मुख्य मान इसका आया π/3 और 2π/3। एग्जाम्पल 19, x इक्वल टू माइनस 1/√3, इसका मुख्य मान निकालना। अब देखते हैं इसके मुख्य वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। पहले हम डिसाइड करेंगे कि 1/√3 कितने का मान होता है tan, तो कितने का मान होता है, tan θ का मान होता है। अब tan 30° को हम पाई के रूप में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6, क्योंकि पाई का वैल्यू 180, 6 से डिवाइड करेंगे 30° हो जाएगा। लेकिन अब यह डिसाइड करेंगे कि यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो tan में माइनस की वैल्यू कितना होगा, तो देखेंगे ASTC या 0, 90, 180, 270, 360। अब यह देखेंगे कि
अगर हम टेन में सीधा माइनस नहीं दिया होता तो पाई बाई सिक्स लिख देते। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, टेन एक्स इक्वल टू टेन 180 है, जब कुछ घटाएंगे तो यस में जाएगा, यहाँ यस का मतलब साइन धनात्मक होगा, बाकी सभी पर ऋणात्मक होंगे, इसका मतलब हम पाई में से पाई बाई सिक्स को हटा दें तो हमारा वैल्यू आएगा, यानी टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, टेन एक्स इक्वल टू टेन सिक्स पाई माइनस पाई बाई सिक्स, या टेन एक्स इज इक्वल टू टेन सिक्स पाई में से पाई घटाएंगे फाइव इफ पाई बाई सिक्स, टेन से टेन कैंसिल होगा फाइव पाई बाई सिक्स, एक वैल्यू तो इसको दिया होगा। अब दूसरी वैल्यू देखेंगे कि कैसे आएगा, दूसरी वैल्यू हम यहां से डिसाइड करेंगे, टेन एक्स इक्वल टू टेन, एक वैल्यू तो 180 में आ गया, अब 360 में से कुछ जोड़ते तो वाल में चला जाएगा, सभी धनात्मक होगा, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 360 को हम क्या लिखेंगे, टू पाई, क्योंकि 18 गुना 36 हो जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि टेन 360 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा आएगा, क्योंकि जब कुछ घटाएंगे इधर आएगा सी वाले में, कास धनात्मक होता है उसका उल्टा से धनात्मक होगा, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। अब यह देख रहे हैं टेन एक्स इक्वल टू टेन, एलसीएम देंगे, 6 × 12 पाई माइनस पाई अपान हो गया 6, यह हो गया टेन एक्स इक्वल टू टेन 11 पाई बाई 6, टेन से टेन कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू 11 पाई बाई 6। अब इसके मुख्य प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य वैल्यू, मुख्य मान क्या हो गया, पहला आया था 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, ये आपके मुख्य वैल्यू हो गए। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि जितना भी या मुख्य मान दिया होगा किताब में, बुक में, आप उसको हल करेंगे, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।